Je veux picher un सबसे पहले तो कटरा प्रेस क्लब टीम का आपका धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को करने आए हैं। जम्मू कश्मीर की भूमि देववाणी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान इस भूमि से हुए हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ नीलमत पुराण राजतरंगण की रचना इस भूमि से हुई है। पूरे हिंदुस्तान में 14 विश्वविद्यालय संस्कृत, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुल मिला के 17, और जो गढ़ रहा है केंद्र जम्मू कश्मीर में, एक भी संस्कृत विश्वविद्यालय अलग से नहीं है। हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। आप चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जर्मन चले जाएं, रशिया, उनकी अपनी भाषा है, और भारत की भाषा संस्कृत है। उसको बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय अलग से होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं संस्कृत में फ्यूचर नहीं, हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। आपको ज्ञात होगा कि 2011 में नासा ने अंतरिक्ष में एक यान भेजा था, वहाँ संस्कृत के शब्द सुनाए दिए, और नासा ने 12 से 35 विद्वानों को बुलाया, उस ध्वनियों को ट्रांसलेट किया, वो संस्कृत के शब्द थे। आज नासा में संस्कृत क्लासें चल रही हैं, जर्मन में चल रही हैं। आपको सोचकर हैरानी होगी कि देखकर भी कि अपना अफगानिस्तान में संस्कृत डिपार्टमेंट खुला था, और जम्मू कश्मीर संस्कृत के विद्वानों का गढ़ रहा है, यहाँ एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। और एलजी साहब के आने से देववाणी संस्कृत को काफ़ी बढ़ावा मिला है। जैसे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो कटरा है ककरियाल में, वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं था। हमने एलजी साहब से आग्रह किया, उन्होंने एक महीने के अंदर वहाँ डिपार्टमेंट खोला। आपका जो माता वैष्णो देवी श्राइन बुल कटरा में गुरुकुल है, यहाँ 24 सीटें थी, वहाँ उन्होंने 30 कर दी। और सिद्धरा के अंदर जो तिरुपति मंदिर बना है, वहाँ मंदिर के साथ अब गुरुकुल बनेगा। एलजी साहब ने अपने भाषण में हमारे ट्रस्ट का जिक्र भी किया और गुरुकुल का भी किया। और मुझे लगता है आने वाला युग संस्कृत का है, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं। और जैसे माँ भगवती के चरणों में आज कटरा में हम आए हैं, हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है, यहाँ से बड़े लोगों का सहयोग मिल रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक संस्कृत विश्वविद्यालय अलग से मिलेगा। देखिए, पिछले 12 वर्षों से हमारा श्री कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट देववाणी संस्कृत को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। और एलजी साहब ने भी कहा, उच्च अधिकारियों से हमारी बैठकें भी हुई। मुझे लगता है छठी से सिलेबस तैयार हो गया वैकल्पिक विषय में, जल्द ही जम्मू कश्मीर में छठी से संस्कृत लागू होगी। और जो राजस्थान की तर्ज पर हमने कहा कि राजस्थान में संस्कृत मंत्रालय है, जम्मू कश्मीर में भी हो, जैसे उत्तर प्रदेश में संस्कृत अकादमी है, ऐसे भी हो, तो छठी से तो मुझे लगता है जल्दी शुरू हो जाएगी। बड़ा अच्छा रुझान मिल रहा है। पहले हमने तो पुरानी मंडी हनुमान मंदिर से इसका प्रारंभ किया था, फिर हम अखनूर में गए, आज माँ भगवती के चरणों कटरा में आए। सब लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, यात्रियों का मिल रहा है, यहाँ के प्रेस क्लब ने बड़ा सहयोग किया, अरुण जी और उनकी पूरी टीम ने। मुझे लगता है ऐसा ही रहा तो जल्द जम्मू कश्मीर को अलग विश्वविद्यालय मिलेगा।